नमस्कार, आप न्यूज़ 11 देख रहे हैं। जाप संरक्षक पप्पू यादव पटना के एम्स पहुंचे और पटना के फुलवारी शरीफ में हुए हंगामे के दौरान घायलों से मुलाकात की। इस दौरान जाप संरक्षक पप्पू यादव ने उनका हाल जाना और इनमें से कुछ की उन्होंने आर्थिक मदद भी की। आपको बता दें कि इस दौरान हंगामे में घायल हुए सिपाहियों से भी उन्होंने मुलाकात की और पप्पू यादव ने कहा कि इस तरीके से राजद का बिहार बंद फैल रहा है। आपको बता दें कि पटना में राजद के बिहार बंद के दौरान कई जगहों पर हंगामे हुए, कई पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई, उनके कैमरे तोड़ दिए गए। वहीं पटना के फुलवारी शरीफ में दो पक्षों में जमकर भिड़ंत हुई, एक वो जो CAA का विरोध कर रहे थे और एक वो जो विरोध में शामिल नहीं थे। इस दौरान गोलीबारी भी हुई और इसमें कई लोग घायल हुए थे, जिनका इलाज फिलहाल पटना के एम्स में चल रहा है और उनसे मुलाकात करने जाप संरक्षक पप्पू यादव खुद पटना के एम्स पहुंचे, उनका हाल चाल जाना और उनमें से कुछ की उन्होंने आर्थिक मदद करने की भी घोषणा की है। इस दौरान पप्पू यादव ने 10,000 रुपये देने की घोषणा की है। अब सिपाही नहीं है, News 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।